Class 9 Civics Chapter 1. Next we do International Organization Antarrashtriya Sangathan. Let us respond to the question that came up the conservation. Does the increase in the number of the democratic countries all over the world automatically lead to the democratic release among the countries? यहाँ हम जो टॉपिक दिख रहे हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन में इस बात पर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक देशों की संख्या बढ़ने से देशों के बीच जो आपसी रिलेशन है जो संबंध क्या वो लोकतांत्रिक बन जाएंगे. लेकिन इस सवाल पर विचार करने से पहले बहुत सारे चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है. जैसे कि टॉपिक में कहानी में हमने देखा है कि भारत सरकार अमेरिका की सरकार और फिर और भी देशों की सरकार है लेकिन दुनिया की कोई भी सरकार नहीं है. कोई भी सरकार नहीं कोई ऐसी सरकार है जिसके द्वारा बनाए गए कानून दुनिया भर के लोगों पर लागू होते हैं. अगर कोई ऐसी सरकार नहीं है, अगर कोई ऐसा शासक नहीं है, तो कोई शासित नहीं है, तो हम लोकतंत्र की बुनियादी विशेषताओं कैसे लागू करेंगे. दूसरी बात यह है कि यहाँ लोकतंत्र का सवाल नहीं उठता है. विश्व सरकार नहीं है. दुनिया में ऐसी कई संस्थाएँ हैं जहाँ आंशिक रूप से सरकार कुछ काम करती है. ये संगठन विभिन्न देशों में लोगों के उस पर नियंत्रण रखने का भी काम करती हैं. जैसा कि हमने सरकार का जैसा कि देखा कि सरकार रख सकती है लेकिन वो ऐसे नियम बनाते हैं जो सरकार के कामकाज की सीमा तय करते हैं. उन पर दिशा निर्देश देते ऐसे कुछ पॉइंट जो दिए गए इस पर हम गौर करेंगे. हु मेक्स लॉ रूल टू द गवर्नमेंट टू सी डेट डू नॉट फॉल विद इन द बाउंड्रीज एनी वन कंट्रीज. किसी भी देश की सीमा में आने जाने वाले समुद्री क्षेत्र में कार व्यापार को संचालित करने वाले कायदे कानून कौन बनाता है. या सभी देश को प्रभावित करने वाले पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले नियम कौन बनाता है. इन सवालों में संयुक्त राष्ट्र ने अनेक नियम बनाए हैं जो अधिकांश देशों में लागू होते हैं. संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर के देशों का एक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून सुरक्षा आर्थिक निकाय सामाजिक समता एकता मामले पर परस्पर सहयोग स्थापित करने में मदद करता है. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव इसके प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं. सेकेंड पॉइंट हमारा है व्हाट हैपन्स व्हेन ए कंट्री अटैक अनदर कंट्री. इसमें मुझे बताया गया है कि जब कोई देश दूसरे देश पर गलत ढंग से हमला करता है या तब क्या होता है. संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जिसमें विभिन्न देशों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी है. यह एक अंतर्राष्ट्रीय शांति दस्ता बनाकर गलती करने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी करती है. सेकेंड थर्ड पॉइंट इसके बाद जब सरकारों को पैसे की जरूरत होती है तो उन्हें उधार कौन देता है. जब काम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है. विश्व बैंक भी सरकारों को ऋण देता है. उधार देने से पहले ये संस्था संबंध सरकार से अपना हिसाब किताब देखने को कहती है और यह भी कहती है कि आर्थिक नीतियों में बदलाव का निर्देश भी देती है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है आर दिस डिसीजन डेमोक्रेटिक जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.